जय जय श्री राधे। तो आज हम लोग आए हैं भांडीर वन में। ये राधा कृष्ण की विवाह स्थली है, जहाँ राधा कृष्ण का गुप्त विवाह हुआ था। बहुत लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ, किसने देखा, कहाँ प्रमाण है। तो आप तो यहाँ ब्रज में जब आएंगे वृंदावन, तो आप यहाँ आइए भांडीर वन में। इसी भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह कराया था। और इसी स्थान में ये जो जगह है त्रिवेणी कुप, यहाँ पे तीनों नदियों का जल विराजमान है। भगवान कृष्ण ने जब बच्चासुर नाम का एक बछड़ा था, जब बछड़े का वध किया, तो सारे गोपसखा गोपीगण बोलने लगे कि अभी आप हमारे साथ में खेल नहीं सकते हो, क्योंकि आपने गौ हत्या किया है, और आपका साथ में हम अगर खेलेंगे तो हमें भी वो पाप लगेगा। तो कृष्ण कहने लगे तो इसके लिए मैं क्या करूँ। गोपियाँ बोली कि यदि अगर आप हमारे साथ दोबारा खेलना चाहते हैं तो आपको सभी तीर्थ में स्नान करके अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। कन्हैया बोले अगर मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूँ तो। कन्हैया बोले कोई तो गोपियाँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं बुला लो। तो कृष्ण ने अपने वेणु से ये कुप का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम है वेणु कुप। तो वेणु के द्वारा इस कुप का निर्माण किया, और फिर सारे तीर्थ को यहाँ आह्वान किया। सारे तीर्थ यहाँ हाथ जोड़ के भगवान कृष्ण के सामने खड़े हुए, गोपियों ने दर्शन किया, और फिर कृष्ण ने यहाँ पर स्नान करके अपने आप को पवित्र किया। तो यही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला करी। और ये जो जगह है भांडीर वन, यहाँ पर एक वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं जो है पुजारी के रूप में यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह कराया। इसीलिए फिर पश्चात में भगवान ने यहाँ पर भंडारा कराया, तो इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा, भांडीर वन। इसी भांडीर वन की जय। आप लोग आइए, बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे मोर है। इसी भांडीर बिहार लाल की जय।